ये पेशेंट हमारे पास थर्ड टाइम पी शॉट के लिए आए हैं, तो ये पहले 10 मिलीग्राम का टेडलाफिल लेके सेक्स कर पाते थे, तो अब हम थर्ड सेशन दे रहे हैं, मतलब दो सेशन दे चुके हैं, तीसरा दे रहे हैं। तो साथ में हमने थोड़ा बोटॉक्स का भी दिया था, तो बोटॉक्स की अभी डोज बढ़ाने की बजाय इस बार फिलर भी दे रहे हैं। तो पेशेंट अब 5 मिलीग्राम के साथ सेक्स कर पा रहा है। 5 मिलीग्राम के साथ आराम से सेक्स हो जाता है? जी सर, 5 मिलीग्राम के साथ आराम से हो जाता है। तो अब हमारा ये है, इस पी शॉट के बाद हम इसे 2.5 मिलीग्राम पे करेंगे टेडलाफिल को। कितने टाइम से टेडलाफिल ले रहे थे? सर अभी 2 महीने से। 2 महीने से पहले क्या कर रहे थे? 2 महीने से पहले मतलब लेता था तो एक दो बार लेता था, अच्छे से नहीं हो पाता था तो फिर नहीं कर पा रहा था मैं, फिर छोड़ दिया। मतलब टेडलाफिल लेके भी अच्छे से नहीं हो पाता था? नहीं हो पा रहा था। तो फिर पहले जब पी शॉट हुआ तो उसके बाद से फिर टेडलाफिल के साथ होने लगा। शादी हुए कितना टाइम हो गया? 8 महीने। तो ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, शादी से पहले थी कि शादी के बाद शुरू हुई? मतलब पहले से थी, मतलब समझ नहीं पाया था तो फिर शादी के बाद पता चला। मतलब प्रॉब्लम पहले से ज़्यादा थी और शादी के बाद ज़्यादा हो गई है। ये कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर पहले इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, माइल्ड है, शादी के बाद वो बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण। पेशेंट उसके साथ, जिनके साथ सेक्स करना चाहते हैं, उनको अच्छे से जानता नहीं है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। तो ये ऐसे केसेस में हमेशा शादी से पहले ही अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है। तो जब इनकी शादी हुई 8 महीने पहले, तो ये सेक्स भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे टेडलाफिल लेकर भी। हमने जब दिया तो 10 मिलीग्राम के साथ इन्होंने सेक्स करना शुरू किया, जो जहाँ तक मैं समझाऊँ आपकी बात, और अब 5 मिलीग्राम पर भी सेक्स कर पा रहे हैं। तो हम इसको 2.5 मिलीग्राम पे लेके जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे जैसे आप सेक्स करते रहोगे पी शॉट के साथ, चाहे टेडलाफिल के साथ भी, उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो फिजियोलॉजिकल है वो तो चलो पी शॉट से ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ साथ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। कॉन्फिडेंस की सारी बात है। जो इसके अंदर खराबी होगी पेनिस की, वो पी शॉट से ठीक हो जाएगी। और जो दिमागी तौर पर दबाव है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेक्स करते रहोगे तो वो कम होता चला जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। अगर आपको बताएं कि भाई धीरे धीरे टेडलाफिल की डोज बढ़ाएं, इसमें पी शॉट के ज़्यादा सेशंस दें, और आपके अगर मन में भी कोई सवाल है, कि कोई शर्म आती है, कोई बात पूछनी चाहते हो सेक्स वगैरह, वो भी पूछ सकते हो। उससे आपके जो साइकोलॉजिकल दबाव है वो कम हो जाएगा। लाखों लाखों लोग इससे प्रभावित हैं आज की डेट में, स्ट्रेस के कारण। बड़ी उम्र में शादी होती है, नौकरी का स्ट्रेस है, घर वालों का स्ट्रेस है, बीवी का अलग स्ट्रेस है, क्योंकि आजकल तो उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है, क्योंकि दोनों इक्वालिटी आ गई है। तो हर तरह के स्ट्रेस के कारण बहुत से लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जितना ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है, उस तरह इलाज भी इसका अच्छा आ गया है। तो अब ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है।